आज की इस वीडियो में हम बिरला टायर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। यह टायर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, टायर बनाने वाली कंपनी है। लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से 11 दिसंबर को इसके शेयर का प्राइस 9.87% तेज रहा। 11 दिसंबर को इसके शेयर प्राइस में 3.35 रुपए की तेजी देखी गई दोस्तों। इसी के साथ अगर प्रतिशत में देखा जाए तो दोस्तों 9.87% की इसमें तेजी देखी गई। और दोस्तों कुछ दिनों से ये अपर सर्किट लगाया जा रहा है और इन्वेस्टर को खुश पे खुश किया जा रहा है। 5 दिन के इसके रिटर्न का चार्ट हम देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों मात्र 21.35 रुपए था, आज दोस्तों 37.30 रुपए हो चुका है, यानी कि लगभग डबल हो चुका है दोस्तों। 5 दिन में ही इन्वेस्टर का पैसा इसने लगभग डबल कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ बिरला टायर रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर को। बिरला टायर कंपनी दोस्तों टायर बनाने वाली कंपनी है और ये अपने टायर को ट्रेंड में रखते हुए दोस्तों उसको एक नया डिजाइन देने की कोशिश करेगी। बिरला टायर दोस्तों नई ट्रेंड में नया मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रही है दोस्तों, और इलेक्ट्रिकल जो वाहन आने वाले हैं दोस्तों मार्केट में कुछ ही समय में, तो उनके बारे में भी ये सोच रही है दोस्तों, उनके ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसका डिमांड बढ़ने लगा, इस टायर का ऑर्डर मिलने लगे। बिरला टायर कंपनी दोस्तों जानी मानी कंपनियों में से एक है दोस्तों, बहुत अच्छे टायर बनाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के। अब इसको दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल के टायर भी बनाने हैं, उसके नए डिजाइन भी इसने काटने, नए नए ट्रेंड के अनुसार उसको टायर को मैन्युफैक्चरिंग करना है। इसलिए इसके शेयर प्राइस में देख रहे हैं आप दिन दुगनी चार चौगुनी वृद्धि पे वृद्धि होती चली जा रही है। और यह कंपनी दोस्तों लॉस में नहीं जा सकती क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, तो आप समझ सकते हैं कि टायरों की डिमांड तो रहेगी भारत में भी और दुनिया में भी, तो इसलिए आपको पता ही है कि यह कंपनी जो है ऊपर के ऊपर ही जाएगी, नीचे तो आने का नाम नहीं लेगी जल्दी। इसलिए हमारी तो यही सलाह है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो आप इन्वेस्ट जरूर करें। MRF कंपनी का टायर लोगों ने जब सस्ते प्राइस में चल रहा था तो खरीदा ही नहीं, और आज वो दोस्तों लाखों में चल रहा है, लाखों में, और इन्वेस्टर उसको खरीद ही नहीं पा रहे। आज वही सिचुएशन बिरला टायर्स में भी बनी हुई है दोस्तों। आज जो सस्ते प्राइस में इसको आपको मिल रहा है तो आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो जमाने आने वाला है उसमें टायर्स की डिमांड बढ़ेगी और यह शेयर प्राइस भी दोस्तों ज्यादा नहीं तो ज्यादा नहीं हजारों में दौड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि यह बहुत तेज हो चुका है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, अब हम नहीं खरीद पाएंगे। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दोस्तों BSE पे तो इसका शेयर का प्राइस लगभग 10% अपर सर्किट लगा रहा है, और दोस्तों NSE की साइट पे इसका शेयर का प्राइस 9.87% की तेजी दिखा रहा है। 3 जुलाई 2020 को इसके शेयर ने हाई लगाया था 53.10 रुपए, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, और अब ये उसी की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी प्रकार से ये तेजी इसमें बरकरार रही तो दोस्तों ये अपने हाई को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। इसका मार्केट कैप दोस्तों 533.29 करोड़ रुपए है। अभी ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें पूरी गुंजाइश से पूरी संभावनाएं बरकरार है दोस्तों कि ये लार्ज कैप कंपनी बन सकती है या मिड कैप की ओर जाने वाली कंपनी है, तो इसलिए बहुत अच्छी कंपनी है और इसका फ्यूचर भी ब्राइट है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले हैं तो उसमें टायर्स की आवश्यकता तो होगी। इसका PE रेशियो भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ है दोस्तों, 24.41 है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसका बुक वैल्यू दोस्तों -19.85 है जो कि नेगेटिव में दिखा रहा है। इसका फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपए है दोस्तों। जो इसके शेयरों में दोस्तों खरीदारी और बिकवाली हो रही है, वो डिलीवरी जो हो रही है वो दोस्तों 40.11% हो रही है, यानी कि अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है, माल उठाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मनी कंट्रोल के जो यूजर है और एनालिसिस है वो 56% तो कह रहे हैं आप इसमें वाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 44% आपको इसमें सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और होल्डिंग की तो कोई भी रिकमेंडेशन दे नहीं रहा है। उन लोगों का मानना है कि ये शेयर काफी बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए वो सेलिंग की ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों 56% लोग इसमें वाइंग की अभी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और आप प्रॉफिट लेकर निकल जाइए ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी स्टॉक में सिचुएशन बनाएं या आप अपना खुद का भी रिसर्च कर लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।